हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू पिनाकल कोचिंग। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टीसीएस द्वारा दिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल में आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पिनाकल की बुक में मिलेंगे जिसका नाम है जर्नल स्टडीज 6500 टीसीएस एमसीक्यू, राइट। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो ये बुक ईजिली अवेलेबल है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे, या फिर आप इसको अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। इसके अलावा पिनाकल की वेबसाइट पे जाकर आप ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। अपने आप को और अच्छे से इवेलुएट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है जो आपको मिलेंगे पिनाकल के टेस्ट पास ज्वाइन करने से। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस लिए हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट से। तो चलिए हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। चलिए, तो क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्टील, जाइलम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम। तो ये चीज मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराई हुई है। तो इसका आंसर है क्या, जाइलम। जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जबकि फ्लोएम है किसके लिए, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। स्टील एंड कॉर्टेक्स, स्टील और कॉर्टेक्स क्या होते हैं, जब आप रूट या स्टेम को हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हमें जो बीच वाला पार्ट होता है जिसके अंदर सारे के सारे वेस्कुलर बंडल्स एंड प्रीकैम्बियम ये सब होते हैं, उस पूरे को बोलते हैं स्टील, जबकि कोटेक्स आउटर टिश्यू को बोलते हैं जो कि एपिडर्मिस के नीचे होता है, लेकिन आपके प्री वेस्कुलर बंडल से पहले होता है। ठीक है, जब आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं डिटेल में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following plant hormone regulates growth particularly by stimulating cell elongation in stem? इसमें से कौन सा plant hormone है जो कि regulate करता है growth को, particularly किसके अंदर, cell elongation, stem के अंदर cell elongation करता है। तो option देख लेते हैं। option है ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। तो इसका आंसर है A, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, सेल इलोंगेशन करता है स्टेम के अंदर। इथाइलिन आपको पता होगा ये गैसियस हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है, गैस फॉर्म में है। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग के लिए होता है, इसका मेन फंक्शन होता है फ्रूट को राइप करना। जिब्रेलिन होता है इंटरनोड्स की इलोंगेशन के लिए। जिब्रेलिन के और भी फंक्शन है जैसे फ्लावरिंग। ठीक है, साइटोकाइनिन होता है सेल डिवीजन के लिए। इनके भी फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड द सॉइल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉन एज। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस मतलब कि सॉइल साइंस जो है उसका जो एप्लीकेशन हम करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, उस टर्म का नाम क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एग्रोस्टोलॉजी, ब्रायोलॉजी, एग्रोनॉमी, एनाटॉमी। तो इसका आंसर है, आंसर बताइए, आंसर है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी टर्म यूज होती है जब हम सॉइल साइंस को यूज करते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। तो एग्रोस्टोलॉजी क्या है, एग्रोस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ग्रासेस, स्टडी ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस की स्टडी को एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। ब्रायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, राइट। एंड एनाटॉमी जो होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए टर्म यूज की जाती है, एनाटॉमी, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नॉन एज। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की लीफ की सरफेस पे, उन्हें क्या बोला जाता है। ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, स्टोमेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। स्टोमेटा इसका आंसर है, सबको पता होगा। मैंने कल भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया था कि लीफ के ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या रोल होता है स्टोमेटा का, क्यों प्रेजेंट होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करते हैं ये? एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, राइट? गैसेस एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ। स्टोमेटा के अंदर दो सेल्स होते हैं जो कि बीन शेप होते हैं इस टाइप के, जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, राइट? वो ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। ओपन होते हैं तो उसमें से गैसेस, वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं, गैसेस आती हैं अंदर, और जब क्लोज होते हैं तो ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं होता एटमॉस्फेयर के साथ। तो स्टोमेटा जो है वो पोर्स है सरफेस के ऊपर लीफ की, जो कि हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में, राइट? चलिए, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये तो सारे सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोला है। उसके अंदर ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, और न्यूक्लियस सेंटर में होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is one of the basic plant nutrients of fertilizers that are commonly used in agriculture? इसमें से कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट है, कौन सा बेसिक न्यूट्रिएंट है जो कि फर्टिलाइजर में यूज होता है एग्रीकल्चर में? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सोडियम, मरकरी, आर्सेनिक, पोटेशियम। तो आंसर है पोटेशियम, ठीक है? फर्टिलाइजर्स में आप याद रखिए ऐसे, फर्टिलाइजर्स में होता है NPK। N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए है ये, P से आपका फॉस्फोरस है, एंड K से पोटेशियम। ये तीनों चीजें फर्टिलाइजर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है? जो कि कॉमनली यूज होता है एग्रीकल्चर में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैंगो ट्री इज ए एग्जाम्पल ऑफ। मैंगो ट्री किसका एग्जाम्पल है? स्यूडोट्रॉफ, एम्बीट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ। तो मैंगो ट्री एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफ का, राइट? अपना खाना खुद से बनाता है तो ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल हुआ, राइट? हेटरोट्रॉफ नहीं है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। Which of the following gases is released in the process of photosynthesis? जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर तो कौन सी गैस रिलीज होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो बताइए कौन सी गैस रिलीज होती है? C, ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको उसका रिएक्शन भी पता होना चाहिए। तो इसका रिएक्शन होता है, क्या की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में? CO2, राइट? CO2 हुआ, वाटर हुआ, और वो मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो O2 जो है वो रिलीज होती है। ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। CO2 प्लस H2O, तो ये बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is an autotroph? इसमें से कौन सा जो है वो ऑटोट्रॉफ है? देखिए, ऑटोट्रॉफ एनिमल नहीं है, बहुत आसान है। एनिमल फंगी नहीं है, ह्यूमंस नहीं है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is an essential element used in the synthesis of proteins in plant? इसमें से कौन सा essential element यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त प्लांट्स के अंदर? तो ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, और इसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त प्लांट के अंदर, ठीक है? प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, पेयर से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो उनका उसके अंदर क्या होता है? अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन इसका आंसर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ लीफ? इसमें से कौन सा जो है वो लीफ का पार्ट है? पेटियोल, पिस्टल, सेपल, स्टेमन। तो इसका आंसर है, बताइए इसका आंसर है पेटियोल। देखिए, ये लीफ है। अब पेटियोल होता क्या है? ये स्टेम है, स्टेम से लीफ जो है ऐसे कुछ जुड़ी होती है, आपने देखा होगा। तो वो पोर्शन, वो कनेक्शन लीफ और स्टेम के बीच में जो करती है उसे बोलते हैं पिटियोल। ये पिटियोल है, बीच वाला जो पोर्शन है जो लीफ को स्टेम से जोड़ रही है, इसको बोलते हैं पिटियोल। लीफ के बीच में जो इस टाइप की, जो आपने कभी देखा होगा लीफ को ऐसे करके, अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, इसको बोलते हैं मिडरिप, राइट। मिडरिप से फिर फर्दर पतली पतली एक छोटी छोटी कैपिलरीज निकल रही होंगी, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पिटियोल। पिटियोल क्या है, जो लीफ को स्टेम से जोड़ रहा है वो उसे बोलते हैं पिटियोल, ठीक है। बीच में लीफ के क्या होती है, मिडरिप। मिडरिप से बहुत सारी वेन्स निकल रही होती हैं, ठीक है। तो पिटियोल इसका आंसर है। सेपल, पिस्टल एंड स्टेमन, ये तीनों के तीनों फ्लावर के, एक फ्लावर के जो है पार्ट्स हैं। तो जब फ्लावर हम पढ़ेंगे आगे प्लांट के अंदर, तब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ क्या पूछा गया है, एक टर्म के बारे में पूछा गया है जो कि यूज करते हैं for the reaction of photosynthesis that use energy stored by light dependent reaction to form glucose and other carbohydrate molecules, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन का आपको नाम बताना है, एक साइकिल का आपको नाम बताना है जो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक एयर को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज के अंदर एक रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ब्लूम साइकिल, रॉक साइकिल, मैक्रोस्कोपिक साइकिल एंड कैल्विन साइकिल। तो आंसर है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल एटमॉस्फेरिक CO2 को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो है साइकिल का वो क्या है, ग्लूकोज। यही एनर्जी सोर्स है प्लांट के अंदर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी एंड कार्बन की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, लाइसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रोग्नोसिस, ग्लाइकोलाइसिस। आंसर आपको पता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है लाइट एनर्जी और कार्बन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है एक प्लांट के अंदर। अब लाइसिस क्या होता है, लाइसिस का नॉर्मल मतलब होता है सेल को, सेल का टूटना, राइट, लाइस होना, एक्सप्लोड होना, सेल का फटना, राइट। और प्रोग्नोसिस क्या होता है, किसी डिजीज की डिटेक्शन होना, ठीक है। डिटेक्शन से पहले प्रोग्नोसिस किया गया है, एक्सपेक्टेड है कि ये डिजीज उसमें हो सकती है, तो उसे प्रोग्नोसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस एक रिएक्शन है जो प्लांट के अंदर ही होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस, जो कि एनर्जी और कार्बन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में। चलिए आगे करते हैं। प्लांट रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ। अगर आपने मेरे पीछे वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ध्यान से देखे हैं, आपको याद है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वो प्लांट रिलीज करते हैं पानी को, वाटर को एयर में, कौन से प्रोसेस के थ्रू। ऑप्शन देख लेते हैं, फोटोपीरियोडिज्म, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रोपिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इसका आंसर है। इस ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर मान लो ये स्टेम है और ये यहाँ पे रूट्स हैं, तो होता क्या है कि लीफ से प्लांट्स वाटर वेपर्स जो ऊपर इवेपोरेट होते हैं और सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो ये एक पुल क्रिएट करता है, ट्रांसपिरेशन पुल, जिसकी वजह से पानी सॉइल से ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये पानी फिर आगे जाके स्टोमेटा के थ्रू, वहां से वाटर वेपर्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस से। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस इस सेगमेंट से कवर किए थे, आज कुछ और कवर कर लेते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सी डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन देख लेते हैं मीजल्स, कर्वी, अस्थमा, डायबिटीज। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है कम्युनिकेबल डिजीज? आपको पता है जो कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और नॉन कम्युनिकेबल जो आगे ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है ए मीजल जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। स्कर्वी कल मैंने करवाया था कि विटामिन सी से होती है, राइट। डायबिटीज नेचुरली होती है, ये कम्युनिकेबल नहीं है। अस्थमा भी कम्युनिकेबल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करते हैं? विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स जो है एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, और क्या चीज सिंथेसाइज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। तो आंसर क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ग्लूकोज इसका आंसर है। आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिएक्शन भी कराई है। ये देखिए फिर से लिख देती हूँ, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ग्लूकोज बनता है प्लस O2 रिलीज होता है। तो एक ही रिएक्शन से आपसे क्या पूछा जा सकता है? कुछ क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आप मैं लिख देती हूँ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, CO2, O2, ठीक है, ऑक्सीजन की। बनता क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की जगह आपको अगर ये लिख दिया जाए C6H12O6 तो ये भी ग्लूकोज है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है। और रिलीज क्या होता है? ऑक्सीजन। तो हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आगे करते हैं। आगे देखिए, Which of the following is not a symptom of Wilson disease? इसमें से कौन सा सिम्टम जो है वो विल्सन डिजीज का नहीं है? प्रॉब्लम विद स्पीच, स्वेलोइंग और फिजिकल कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन बी है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स और मस्कुलर स्टिफनेस। ऑप्शन सी है फ्लूइड बिल्डअप इन द लेग्स और एब्डोमेन। ऑप्शन डी है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, विल्सन डिजीज जो है उसका सिम्टम जो नहीं है वो यह है, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विल्सन डिजीज का जो है सिम्टम नहीं है। तो विल्सन डिजीज होती क्या है? नॉर्मल बॉडी के अंदर किडनी जो है वो बॉडी के अंदर से कॉपर को बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है, लेकिन विल्सन डिजीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। वो कॉपर अंदर ही एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है स्पीच में, स्वेलोइंग में एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, मसल की मूवमेंट में। तो मसल बहुत जल्दी फटीग हो जाती है, वीक भी हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है? फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है लेग्स में, एब्डोमेन में। तो लेग्स स्वेलो हो जाती हैं, फूल जाती है, एब्डोमेन फूल जाता है, राइट। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस इसका सिम्टम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ भरना है यहाँ पे, कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है डिजीज? रिकेट्स। रिकेट्स पहले भी हमने किया है कि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी एक आपने किया था। ठीक है, यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स ये दोनों ही विटामिन डी की कमी से होती है, या फिर ऑप्शन ऐसे भी दे दिया जा सकता है कि कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, विटामिन डी ही कैल्शियम बनाता है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, तो ये दोनों ही किससे रिलेटेड है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स। चलिए आगे चलते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें से कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से, किस न्यूट्रिएंट की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन के, विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, राइट। चलिए आगे चलते हैं। फिर से वही पूछा गया है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? विटामिन ए से। चलिए आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटरबॉर्न डिजीज. इसमें से कौन सी डिजीज जो है वो वाटरबॉर्न डिजीज नहीं है, मतलब कि पानी से नहीं होती वो डिजीज. ऐसी डिजीज आपको बतानी है. ऑप्शन देख लेते हैं. टाइफाइड वाटरबॉर्न डिजीज है, गंदे खाने या पीने से, पानी से होता है. मम्स, हेपेटाइटिस, कॉलेरा भी कंटामिनेटेड वाटर से ही फैलता है. इसका आंसर या तो बी और सी में से हो सकता है, सी और बी में से हो सकता है. बताइए कौन सा है इसका आंसर. इसका आंसर है मम्स. मम्स जो है वो वाटरबॉर्न डिजीज नहीं है. हेपेटाइटिस भी वाटरबॉर्न डिजीज है. ठीक है, मम्स होता है वायरल इन्फेक्शन से. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटरबॉर्न डिजीज. फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, मम्स इसका आंसर है. चलिए आगे चलते हैं. द बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन वैक्सीन जो है इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ दीज डिजीज. जो बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन वैक्सीन है वो इनमें से किस डिजीज के लिए होती है. ऑप्शन है जॉन्डिस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो. ठीक है, ये होती है किसके लिए. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है. बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन बीसीजी का जो वैक्सीन है जो बच्चों को लगाया जाता है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है. चलिए आगे चलते हैं. विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑस्टियोपोरोसिस. ये पहले भी क्वेश्चन कराया गया है. इसका आंसर है बोन्स. ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है. ऐसे ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी से एक और डिजीज होती है, रिकेट्स. चलिए आगे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर caused by the deficiency of functional plasma clotting factor 8 which may be inherited or arise from spontaneous mutation. देखिए, एक X-linked disorder के बारे में पूछा गया है. यहाँ पर आपको पता है कि फीमेल एंड मेल इनके क्रोमोसोम्स होते हैं XX एंड XY. तो X जो ये क्रोमोसोम है इसके ऊपर जीन होता है, Y के ऊपर नहीं होता, X के ऊपर एक जीन होता है. X के ऊपर जीन होता है किसके लिए, प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर 8 के लिए. जब इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है तब एक डिजीज हो जाती है, एक पर्सन में डिजीज हो जाती है. तो इनमें से कौन सी वो डिजीज है ये पूछा गया है. ऑप्शन देख लेते हैं. मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन बी है ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी है वेनस थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन डी है हीमोफीलिया ए इसका आंसर है. हीमोफीलिया ए क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि होती है डेफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर 8 की वजह से. ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज है ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, चलिए अगर ये फैक्टर नहीं होगा, म्यूटेशन हो गई है जीन में और ये फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी और क्लोटिंग नहीं होगी ऐसे पर्सन में. चलिए आगे चलते हैं. हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. हाइपोकैलेमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है. ऑप्शन है आयोडीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम. और इसका आंसर है बी, पोटेशियम की कमी से हो जाता है हाइपोकैलेमिया. राइट, हाइपोकैलेमिया का लेवल बहुत कम होने से क्या होता है, मसल्स बहुत वीक हो जाती है, मसल्स में ट्विच होने लगता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं. ठीक है, इवन कई बार मसल्स में इतने क्रैम्प्स आने की वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है. हार्ट का एब्नॉर्मल रिदमिक बीट होना भी इसका एक सिम्टम हो सकता है. ठीक है, और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है. तो ये क्या है, हाइपोकैलेमिया. क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड. चलिए, आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. उस डिजीज के बारे में पूछा गया है जो कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है. ऑप्शन है एरिबोफ्लेविनोसिस, बेरीबेरी, रिकेट्स एंड ग्लोसिटिस। तो आंसर है इसका, आंसर है बी बेरीबेरी। बेरीबेरी डिजीज होती है विटामिन B1 से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर आपने एक डिसऑर्डर का नाम भरना है जो कि एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। क्यों होती है? ड्यू टू विच, जिसकी वजह से पीपल सफर फ्रॉम दिस कंडीशन आर अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन। जिसको ये डिसऑर्डर होता है उसके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनता, अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है उसकी बॉडी। ऑप्शन देख लेते हैं, बोन मैरो फेलियर, थैलेसीमिया, स्ट्रोक एंड थ्रोम्बोसिस। तो इसका आंसर है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। जिस पर्सन के अंदर ये डिसऑर्डर होता है उसकी बॉडी जो है हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती। तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा? वीकनेस होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी बॉडी की, ठीक है, फैटीगनेस बहुत जल्दी होगी और ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। ये सब सिम्टम्स होते हैं थैलेसीमिया में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया का वेक्टर पूछा है, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट नहीं पूछा जो कि प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, पूछा है वेक्टर, कैरियर, राइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एडीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, फ्लीज। तो इसका आंसर है एनोफ्लीज मॉस्किटो। और आप याद रख लीजिए, यहाँ पर ये जो एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है ये होती है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है, ना कि मेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। पुअर विजन इन ह्यूमन्स कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ह्यूमन्स में पुअर विजन जो होती है, कमजोर नजर जो होती है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? ऑप्शन देख लेते हैं, आयरन, विटामिन ए, आयोडीन या विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होती है क्या चीज? आपकी पुअर विजन होती है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे आपको बताना है एक मेडिसिन का नाम जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होती है पेन में और किसमें, टू रिड्यूस द हाई बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डेक्स्ट्रोमिथोफेन, बिस्मुथ, पैरासिटामोल, गुइफिसिन। तो आंसर है, सबको ही पता है, सब लोग लेते हैं पैरासिटामोल। पैरासिटामोल यूज होती है टू ट्रीट पेन एंड रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर। एनाल्जेसिक होती है पैरासिटामोल, एनाल्जेसिक जो रिड्यूस करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, राइट। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ये दोनों ही होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच लेवल ऑफ, यहाँ पे रखना है आपको केमिकल का नाम, इन अ इंडिविजुअल्स ब्लड बिकम्स टू हाई। डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर कंडीशन में किस चीज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा होने से डायबिटीज हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें से कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करता लेवल ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अभी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन सबको पता है कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है, राइट, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या है? अगर हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज को अटैच कर दिया जाए, बॉन्ड कर दिया जाए, बॉन्डिंग हो जाए हीमोग्लोबिन एंड ग्लूकोज में, तो उसे बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो अब वो ये बोलता है कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का जो लेवल है ब्लड के अंदर, इनमें से कौन से फैक्टर है जो उस लेवल को अफेक्ट नहीं करते। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ब्लड डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, मेमोरी लॉस एंड प्रेगनेंसी। अब मुझे ये बताइए, जो ब्लड डेफिशिएंसी है, अगर ब्लड की कमी है किसी पर्सन में, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी, राइट? हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन भी तो कम हो जाएगा, तो ये तो अफेक्ट कर रहा है, ये फैक्टर तो अफेक्ट कर रहा है हमारे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के लेवल को, राइट? तो ये ऑप्शन नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी, सबको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है उसका मेन कंपोनेंट आयरन है, ठीक है? तो आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो ये फैक्टर भी अफेक्ट कर रहा है। फिर आता है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, राइट? तो हमारे पास आंसर क्या है? मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस जो ये फैक्टर है इसका कोई भी लेना देना नहीं है विद द लेवल ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। चलिए आगे चलते हैं। निक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ। निक्टोफोबिया किस चीज के फियर को कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, बर्ड्स, डार्कनेस, एनिमल्स, लाइट, ठीक है? तो इसका आंसर है डार्कनेस। डार्कनेस से फियरनेस को बोलते हैं निक्टोफोबिया। तो निक्टोफोबिया क्या है? इज द फियर ऑफ डार्कनेस। बर्ड से फियर को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोफोबिया, राइट? एनिमल से फियर को क्या बोलते हैं? जूफोबिया, राइट? जूफोबिया। एंड लाइट से अगर फियर हो किसी पर्सन को तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? लाइट से फियर को फोटोफोबिया, ठीक है? फोटो मीन्स लाइट, जू मतलब एनिमल, ऑर्निथो मतलब बर्ड्स, ठीक है? एंड डार्कनेस जो है क्वेश्चन में पूछा गया है निक्टोफोबिया, ठीक है? ये सब देख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ। बेरी बेरी डिजीज हमने अभी पीछे भी पढ़ी है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, किसकी कमी से होती है? तो ऑप्शन है विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12। विटामिन B3 की कमी से जो होता है वो होता है बेरी बेरी। चलिए राइट, आगे चलते हैं। Which of the following diseases is caused by a virus? इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि वायरस से होती है? तो ऑप्शंस है टेटनस, लेप्रोसी, रूबेला, मलेरिया। कौन सी है जो वायरस से होती है? तो आंसर है सी, रूबेला जो है वो रूबेला वायरस से होती है, जबकि टेटनस, लेप्रोसी और मलेरिया जो है वो किससे होते हैं? ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से नहीं होते। वायरस से क्या होता है? रूबेला। तो रूबेला के लिए कौन सा वायरस है? रूबेला वायरस है, जिसे टोगा वायरस भी कहते हैं, ठीक है? तो टेटनस के लिए कौन सा है? टेटनस के लिए भी लिख लीजिए, टेटनस के लिए बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। लेप्रोसी के लिए कौन सा है? लेप्रोसी के लिए कौन सा है? आप लेप्रोसी के लिए लिख लीजिए माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, ठीक है? ठीक है, चलिए, ठीक है? टेटनस का हो गया क्लोस्ट्रीडियम टेटनी और लेप्रोसी का हो गया माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। मलेरिया का मैंने आपको पहले बताया हुआ है प्लाज्मोडियम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से होती है? ऑप्शन है क्वाशियोरकर, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गॉइटर। तो चलिए एलिमिनेशन से इसका आंसर करते हैं। एनीमिया सबको पता है आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है? एनीमिया नहीं है इसका आंसर। गॉइटर हमने पढ़ा हुआ है, तो गॉइटर क्यों होता है हमारे पास? आयोडीन की कमी से, ठीक है? आयोडीन की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हमने पढ़ा हुआ है, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है या विटामिन डी की कमी से होता है। तो एलिमिनेशन से अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आप राइट टिक कर पाएंगे, राइट मार्क कर पाएंगे। तो इसका आंसर है क्वाशियोरकर, ठीक है? तो अब देखिए आपसे और क्या पूछा जा सकता है। अब क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से दो डिजीजेस होती है मेन। एक आपने पढ़ लिया है क्वाशियोरकर, दूसरा होता है मैरास्मस, मैरास्मस। ये दोनों ही जो डिजीजेस है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है। अगर ये पूछा गया है 2019 में, ये क्वेश्चन और पर पूछा गया है पहले, तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में सेम चीज सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन में आपको ऑप्शन कैवोशिक ऑर्कर ना देके मैरास्मस देगा, तो मैरास्मस भी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों के सिम्टम्स में क्या फर्क है, देखिए यहाँ पर होता है मैरास्मस में होता है वेट लॉस, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है इनएबिलिटी टू ग्रो, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, राइट, और वेट गेन होता है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे होता है वेट गेन, ठीक है। यहाँ होती है मैरास्मस में होती है डिहाइड्रेशन, राइट, और क्वेश्चन कॉर्कर में होती है एडिमा, एडिमा या स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ होती है, यहाँ होता है एडिमा, फूल जाते हैं उसके हैंड्स एंड फीट्स जो है वो स्वेलन हो जाते हैं, एडिमा हो जाता है उनमें, ठीक है। तो मैरास्मस है, क्वेश्चन है, दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं, सिम्टम्स अलग अलग है। मैरास्मस में वेट लॉस है, डिहाइड्रेशन है, क्वेश्चन में जो है वेट गेन है एंड एडिमा है, राइट। मैरास्मस इन्फेंट्स में होता है 0 to 1 ईयर के बच्चों में होता है, जबकि क्वेश्चन जो है वो 1 ईयर से बड़े बच्चों में हो जाता है। तो चलिए, आई होप कि ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप सभी को अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाएंगे, राइट। आगे चलते हैं, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस किससे होता है, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या है, वायरस, जो हेपेटाइटिस है ये वायरस से होता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बता दीजिए इसका आंसर क्या है। मीजल्स, अस्थमा, डायबिटीज, अल्जाइमर। तो आंसर है इसका राइट, जो ए कह रहे हैं, ठीक है, ए जो है वो राइट आंसर है, मीजल्स। चलिए, मीजल जो होता है वो हाईली कंटाजीनियस वायरस होता है, ठीक है। कहाँ पे रहता है ये, हमारे नोज एंड थ्रोट में, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन के जो नोज एंड थ्रोट होता है उसके म्यूकस में ये प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए, रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट विच डिजीज, रोटा वायरस वैक्सीन होता है जो बच्चों में लगाया जाता है, ये कौन सी डिजीज प्रिवेंट करने के लिए होता है, किस डिजीज से बचाव के लिए ये लगाया जाता है। तो आंसर है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पोलियो, डायरिया, एड्स, हेपेटाइटिस। देखिए, एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। पोलियो की वैक्सीन आपको पता ही है, पोलियो की साफ वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है, ठीक है। एक और वैक्सीन है उसका नाम मैं आगे बताऊंगी। तो पोलियो की वैक्सीन है साफ वैक्सीन, रोटा वायरस नहीं है। हेपेटाइटिस वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस के ही नाम से मिलती है। अब बचा क्या, डायरिया। तो डायरिया का वैक्सीन होता है रोटा वायरस वैक्सीन। चलिए, ठीक है। ज्यादातर ये वैक्सीन क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज में लगाया जाता है जहां पर ज्यादा खतरा होता है डायरिया होने का बच्चों में, राइट। चलिए, यंग चिल्ड्रंस को लगाया जाता है। Which of the following diseases is caused by virus? फिर से पूछा गया है कि कौन सी डिजीज वायरस से हो रही है, रिंगवॉर्म, कॉलेरा एंड टाइफॉइड एंड मीजल्स, कौन सा है इसका आंसर, बताइए। मीजल्स बार बार आ रहा है, मीजल्स का आ रहा है, वायरस से हो रही है, जबकि रिंगवॉर्म, कॉलेरा, टाइफॉइड जो है वो होती है किससे, बैक्टीरियल से, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। टाइफॉइड का है सैल्मोनेला टाइफी, इसका भी लिख लीजिए, सैल्मोनेला टाइफी से होता है ये, ठीक है। चले, आगे चलते हैं। देखिए क्या पूछा है, गॉइटर, गॉइटर इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विच हार्मोन इन द बॉडी, गॉइटर किस हार्मोन की कमी से बॉडी में होता है। मैंने अपनी प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कराया हुआ है गॉइटर को बहुत ही डिटेल में, जहाँ पर पूछा था कि गॉइटर किस डेफिशिएंसी से होता है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, जहाँ पे उसका आंसर था विटामिन डी। उस वक्त मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा गॉइटर कि ये कहाँ पर होता है, कौन से हार्मोन को अफेक्ट करता है, आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होता है। जिसकी वजह से गॉइटर होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, थायरोक्सिन, एड्रेलिन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर है थायरोक्सिन, राइट। फिर से मैं बताती हूँ कि हमारे थ्रोट में एक थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, ये ग्लैंड होती है, ये रिलीज करती है थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जिसके लिए रिलीज होने के लिए कौन हेल्प करता है, आयोडीन, जो कि हमारे कॉमन सॉल्ट जो हम फूड में डालते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आयोडीन नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या चीज़ होगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ठीक है, और डिजीज डेवलप हो जाएगी गॉइटर, जिसमें स्वेलिंग हो जाएगी नेक के अंदर, राइट। चलिए, हाइपोथायरोडिज्म भी बोलते हैं, किसी चीज़ की कमी से, मान लीजिए कि हाइपो मीन्स लेस, कम हो गया, ठीक है, क्या, थायरोडिज्म, थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो हार्मोन है थायरोक्सिन वो कम हो गया है, तो इसको हाइपोथायरोडिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इन ह्यूमन्स द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ बेरीबेरी, कौन सी विटामिन है जो कि डिजीज कॉज करती है बेरीबेरी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1। तो इसका आंसर है डी, विटामिन B1। विटामिन B1 जो है वो बेरीबेरी करती है। विटामिन B1 का जो दूसरा नाम है, जो इसका नाम है एक्चुअल में, वो है थियामिन, थियामिन बी है, थियामिन बी बोलते हैं विटामिन B1 को। चलिए आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सी डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है। देखिए बार बार आएगा, दो टाइप की डिजीजेज है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट हो जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। अब देखते थे ऑप्शन, डायबिटीज, डायबिटीज कभी भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है, ठीक है। अब ऑप्शन में आता है, यही आंसर है, डायबिटीज आंसर है, क्योंकि उसने पूछा नॉट कम्युनिकेबल, जबकि टीबी, कॉलेरा एंड चिकन पॉक्स, ये तीनों की तीनों ही क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ये फैल जाती है एक से दूसरे में। टीबी का आपने सुना ही होगा, अगर टीबी वाला पर्सन बहुत जोर से स्नीज कर दे या कफिंग कर दे, तो उसके मुंह से जो म्यूकस के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें बहुत सारे टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, अगर उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ जाएगा तो उसको भी टीबी हो जाएगा। ऐसे ही कॉलेरा एंड चिकन पॉक्स में भी होता है, ठीक है, पर्सन, एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ये चीज़ फैल जाती है, कॉलेरा एंड चिकन पॉक्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय, एंथ्रेक्स किस चीज़ से होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो किस चीज़ से होता है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किस चीज़ से होता है, ऑप्शन है बी, बैक्टीरिया से, राइट। बैसिलस एंथ्रेक्सिस इसका नाम है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है, सी कर लीजिए इसे, एंथ्रेक्सिस, बैसिलस एंथ्रेक्सिस से होता है एंथ्रेक्स। चलिए आगे चलते हैं। एंथ्रेक्स मेनली किसे इन्फेक्ट करता है, अफेक्ट करता है लाइव स्टॉक को, ठीक है, एंड वाइल्ड एनिमल्स को करता है, ठीक है। और कैसे हमारी बॉडी में जाता है, थ्रू वुंड्स, वुंड्स के थ्रू जाता है, या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जब हम इनहेल करते हैं तब इस एंथ्रेक्स के जो बैक्टीरिया स्पोर्स होते हैं वो हमारे अंदर एंटर करते हैं, राइट। चलिए, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम है। चलिए आगे देखते हैं। काला आजार, काला आजार जो है इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म से होता है। पहला आता है एशर्शिया कोलाई, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम एंड लेशमैनिया, और इसका आंसर है डी, लेशमैनिया। लेशमैनिया डोनोवेनी जो है वो इसका पॉजिटिव एजेंट है। चलिए ये देख लीजिए, लेशमैनिया डोनोवेनी जो है इसका जो है वो पॉजिटिव एजेंट है। लेशमैनिया डोनोवेनी एक तरह का प्रोटोजोन पैरासाइट है, एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम है वो भी एक तरह का प्रोटोजोआ है, जो मलेरिया कॉज करता है। जब हमने मलेरिया पढ़ा था तब हमने वो पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। टाइफॉइड एंड टीबी आर विच काइंड ऑफ डिजीज, टाइफॉइड और टीबी किस टाइप की डिजीजेज हैं। देखिए मैंने अभी टीबी का आपको बताया है, ठीक है, ठीक है, आप बताइए किस चीज़ का है ये, बैक्टीरियल डिजीजेज है, या वायरस कॉज्ड है, वायरस से होते हैं, या प्रोटोजोन या फंगस से होते हैं। तो ऑप्शन ए, दोनों ही बैक्टीरियल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोनों ही बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें से कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। कॉलेरा वाटर बॉर्न डिजीज है, टाइफॉइड भी है, हेपेटाइटिस भी है, मीजल जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स लीड्स टू प्लेग्रा डिजीज। प्लेग्रा डिजीज जो होती है वो एक तरह की स्किन डिजीज होती है, वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, विटामिन B5, विटामिन B2, राइबोफ्लाविन एंड नियासिन। तो इसका आंसर है नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी से होता है क्या, प्लेग्रा, राइट। तो प्लेग्रा होता है विटामिन B3, नियासिन जो है वो विटामिन B3 को बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, डेमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटस, क्योंकि ये तीनों ही डी से हैं, डेमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटस, तो इसको बोलते हैं 3Ds भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से इससे कुछ डिजीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्या उसको थ्री डीज भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, डेमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस, 3Ds, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच मॉस्किटो कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया। देख लिए देख लीजिए पूछ लिया गया है कि कौन सा मॉस्किटो कैरी करता है पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का पैरासाइट कौन सा मॉस्किटो कैरी करता है। ऑप्शन है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मेल एनोफिलीज मॉस्किटो, या मेल एडीज या फीमेल एडीज। तो इसका आंसर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मॉस्किटो का कैरियर जो है वो कैरी करता है मॉस्किटो का पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम भी फर्दर 3 तरह के हैं जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं है, वैसे बता देती हूँ। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपैरम एंड ओवेक्स, ठीक है। ये 3 होते हैं प्लाज्मोडियम, राइट। तो मेन आप प्लाज्मोडियम ही याद रखिए जो मलेरिया कोज करता है। कैरियर कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। चलिए व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ठीक है। ओकरा बोलते हैं भिंडी को, साइंटिफिक नेम उसका ओकरा है। कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इस डिजीज का। डिजीज का नाम है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। ये जो डिजीज है ये कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। कैरियर पूछा गया है इस डिजीज का, इंसेक्ट से होती है या सीड्स, वाटर या फिर एयर से। और इसका आंसर है इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इस डिजीज का। डिजीज का नाम क्या है, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ठीक है। भिंडी में होने वाली ये डिजीज है। कौन सा इंसेक्ट है, अगर इंसेक्ट ना आए तो दूसरा नाम क्या होगा इसका, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई जो है ये कैरी करती है इस वायरस को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से। टेस्ट पोर्टल जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।